One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और दोनों का बाद में आगमन, एक गुरु पूजन के लिए, एक गौरी पूजन के लिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान श्री राम और जानकी जी जगत के माता पिता है, इसलिए राम कथा को राम चरित्र कहते हैं। राम चरित्र मानस, चरित्र का अनुकरण किया जाता है, लीला का दर्शन किया जाता है, मनन किया जाता है। लीला का अनुकरण नहीं किया जाता, लीला का मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, दर्शन किया जाता है। जैसे रामलीला देखने जाते, दर्शन करने जाते, चरित्र का अनुकरण किया जाता है। क्या करना चाहिए जीवन में, जीवन कैसा जीना चाहिए, भगवान राम और जानकी जी ने बचपन से करके दिखाया है। कल बहुत देर तक मैं इस पर बोलता रहा था, प्रातः काल उठ गई रघुनाथ, बचपन से ही माता पिता के गुरुदेव के चरण वंदन करो भाई, तब आशीर्वाद मिलेगा। पुरुषार्थ तो एक सीमा तक पहुंचा सकता है, उसके आगे तो फिर आशीर्वाद ही ले जाता है। तो भगवान श्री राम और जानकी जी कहते हैं कि परिवार में कैसी भी विषम परिस्थितियां जीवन में आकर खड़ी हो जाए, मैं समझता हूं भगवान श्री राम के जीवन में जितनी विषम परिस्थिति आई, शायद किसी सामान्य मनुष्य के भी जीवन में इतनी नहीं आई, इसके बाद भी वो राम राज्य की स्थापना कर पाए। राम राज्य माने आनंद का राज्य, प्रेम का राज्य, शुभ का राज्य। तो जो स्थिति उस समय थी, वही आज हमारे जीवन और हमारे परिवारों में। तो भगवान राम ने हजारों वर्ष पहले करके दिखा दिया था, ऐसे ऐसे जीवन जीना तो कितनी भी विषम परिस्थितियां होगी जी। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में मूलभूत अंतर है। भगवान राम करके दिखाते हैं और भगवान श्री कृष्ण बोल के बताते हैं, दोनों का ये मूल अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए, और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए। अगर आपने उल्टा कर दिया, भगवान श्री राम ने बोला था कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, तो ये आप नहीं कर पाओगे। उन्होंने जो बोला है वो सुनने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता। उन्होंने जो किया है वो करने की आवश्यकता, और भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए। जो किया है अगर वो करना शुरू कर दिया तो गली गली में ठुकाई होगी, हर गली में पीटे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करणीय नहीं है, जो कहा है वो करणीय। क्यों ये भगवान आए हैं और जानकी जी आई हैं? किशोर अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण। मनुष्य के जीवन में 7-7 वर्ष के परिवर्तन चक्र आते हैं। जब बालक जन्म लेता है और जन्म से 7 वर्ष तक का होता है उसको कहते हैं शिशु, इसलिए जो वो करता है उसको कहते हैं शुशु। शुशु शिशु से ही बना है, कि वो शुशु करता है यानी शिशु है। बिस्तर में करे तो भी कोई अपराध नहीं, गोद में करे तो भी अपराध नहीं, पूजा घर में करे तो भी अपराध नहीं, क्योंकि वो शिशु है। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बाल है, बाल शाखाएं लगती है ना, तो वो बाल है। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक वो किशोर अवस्था है, और 21 वर्ष से 28, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, ये 4 चक्र युवावस्था के। फिर प्रौढ़ है, उसके आगे वृद्धावस्था है, जो भी उसका क्रम है। तो ये 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु है ये सबसे महत्व की आयु है। इसमें रजोगुण बनना प्रारंभ होता है शरीर में, अहंकार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, बालक में उद्दंडता आने लगती है, उच्छंकलता बढ़ने लगती है, जिद आने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देता है। 14 वर्ष के बाद माता पिता से छुपकर रहना जाना शुरू कर देता है, अंधेरे की ओर जाना पसंद करता है,
नीचे की ओर चलना पसंद करता है, उसकी एक स्वभाव है मनुष्य का। इस समय अगर बेटे और बेटियों को थोड़ा सा साथ दिया फिर जीवन भर निश्चिंत रहिए, चाहे अमेरिका जाए चाहे कहीं दुनिया में जाए, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। और 14 वर्ष की प्रारंभ की आयु में अगर कदम गलत दिशा की ओर चला गया फिर उसे विधाता भी बचा नहीं सकता, चाहे कितने कड़े कानून बनाओ, कुछ करो, कोई नहीं बचा सकता उसे। भगवान किशोर अवस्था में गुरु पूजा के लिए, गुरु मनुष्य नहीं, गुरु माने गरिमा, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने सदाचार, गुरु माने सेवा, गुरु माने शिखर, गुरु माने उजाला। ये जो सदगुण है पुरुषवाचक, ये सब गुरु के प्रतीक है। जानकी जी गौरी पूजन करने आई, गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने सेवा, गौरी माने समर्पण, गौरी माने त्याग, गौरी माने प्रेम, गौरी माने सद्भाव, करुणा, दया, ये जितने स्त्रीवाचक सदगुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक है। परिवार तर्क से नहीं चलता, परिवार समर्पण से, सेवा से, प्रेम से चलता है। और इसलिए गौरी में गुण ज्यादा दिखाई देते, परिवार टूटता है तो महिला की कर्कश वाणी से टूटता है, और टूटा हुआ परिवार जुड़ता है तो माँ के आंसुओं से जुड़ता है। इसलिए पुरुष एक बिगड़ता है तो एक व्यक्ति बिगड़ता है, स्त्री एक बिगड़ती है तो पूरा परिवार, पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति, ये सब नष्ट होते हैं। इसलिए इस अवस्था में दोनों को, युवकों को, युवतियों को अपने अपने मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। इनको गुरु की ओर, ज्ञान की ओर, गंभीरता की ओर, सदाचार की ओर, सद्गुणों की ओर, प्रकाश की ओर। वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, लेकिन ये आयु अंधेरा देखती है, अंधेरे की ओर जाना पसंद करती है। हमारे डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, ये मनुष्य कैसा विचित्र हो गया, पैसा खर्च करता है और सिनेमा हॉल में अंधेरे में जाकर बैठता है। पैसा तो प्रकाश के लिए किया जाता है, खर्च अंधेरे के लिए करता है मनुष्य। और गौरी माने गरिमा, सेवा, समर्पण। आज